ये कपड़े सूख गए सारे। मौसम तो धूप तो है नहीं आज, ऐसा ही हो रहा बादल सा। तो मम्मी आपको क्या हुआ? ये जल गया। और जल भी बहुत ज्यादा गया। किस तरह जल गया मम्मी? पानी गिर गया पर फ्राई पैन भरा हुआ लेके चल रही थी और वो पैर रफ्तार एकदम से सर अपने ऊपर। किस टाइम क्या करो थी पानी का? पैर रो गए। किस टाइम? 11:30 बजे। 11:30 बजे? हाँ, हो कोई बात नहीं। आधी रात जाती है। कोई बात नहीं, सही हो जाओगे। तो पहले भी रोए 11:11 बजे। परम बेचैनी हो जा पड़ा। अब कैसी है? अब तो नहीं हो रहा दर्द? वक्त ज्यादा ही जलगी। हाँ, वो स्वेलिंग आ गई ना, उसे कहते डॉक्टर को कि पट्टी थोड़ी लूज करके बंद हो, फिर वो खुल जाती। मम्मी देखो यहाँ से तो खुल सी भी गई। कोई नहीं, आस्तीन उसने फिर निकाल दी थी क्या? आस्तीन तो मैंने निकाल दे दिया और उधेड़ दिया था। नहीं, कम रह गया होगा ना, कम रह गया होगा ना, इसलिए। हाँ, वो नहीं उधेड़ा था। कोई नहीं भाई, सही हो जाओगी, अब क्या कर सकते हैं, है नहीं। चलो मम्मी फिर नीचे हैं या चोटी करूँ आपकी? चोटी कर दे, ऊपर ही करूँ? धूप तो है नहीं ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मम्मी को, जैसे मम्मी ने बताया, मम्मी जल गई हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन। आज मम्मी को हाथ जले गए, 8 दिन हो गए, आज शनिवार ही है। और आज मम्मी को थोड़ा, अब थोड़ा आराम भी है पहले से, तबीयत अब थोड़ी ठीक है मम्मी की। पर यही है, अभी पट्टी वगैरह तो होती है। और यहाँ पे मैं मम्मी की चुटिया बना रही थी। वो मम्मी रात को पानी करने के लिए शनिवार का, जैसे हम पहले तो शनिधाम पे गए थे और वहाँ से आने के बाद हम लेट गए थे, सोने की तैयारी थी। बस मम्मी के पैरों में ना बेचैनी रहती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी हो जाती है बेचैनी, जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो धुलने के बाद नमक के पानी से झाड़ने के बाद थोड़ा आराम मिल जाता है, तो इसीलिए मम्मी पानी कर रही थी। तो वो पानी मम्मी का पैर गिरज गया चीज़ से और मम्मी गिर गई और सारी हाथ से और यहाँ से सारी जल गई। और अब यहाँ पे इस पे जले हुए पे एक पास में ही है हमारी, यहीं पे गंगदासपुर पड़ता है इधर, तो वहाँ पे पट्टी कराने के लिए जाती है मम्मी। तीसरे एक दिन छोड़ के पट्टी होती है तो वहाँ पे जाती है। अब आराम है थोड़ा पहले से, बिल्कुल सही होने में तो टाइम लगेगा, पर हाँ पहले से आराम है। जैसे दर्द था बहुत ज़्यादा, 2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा दर्द रहा मम्मी को, पर अब थोड़ा सा आराम है। और यहाँ पे सब पूछ रहे थे, जैसे आने जाने वाले भी आ रहे थे, और यहाँ पे छत मिली हुई है ना सबकी, तो मैं दीदी पूछ रही थी कि तबीयत अब कैसी तबीयत है आंटी जी की, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी पीछे। मैंने कहा सही है, थोड़ा आराम है। तो बस बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अब वे बच्चे को मैं नहीं लेने जा रही आजकल, बच्चे को वहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि फिर मम्मी अकेली। जय श्री राम। आगे ये तो अच्छी बात है कि बिना ड्रेस के जा रहे हो तुम, बिना यूनिफॉर्म के। और अम्मा जी के पैर नहीं छुए? चली भी गई? बाहर निकालना क्या? कुछ नहीं निकालना, ये तो अच्छा है बिना यूनिफॉर्म के निकालने की टेंशन खत्म, है ना? टाटा। अब क्या कर रहे हो बेटा? क्या हुआ, थक गए अक्षु आप? हैं? क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो?
पता नहीं। देखो इधर क्या हुआ। हाँ तो दिखाओ तो, इधर हुआ क्या? इंदाजी से। दिखाओ अपना हाथ। बच्चे को ली इंदाजी। तबीयत तो ठीक है, फिर क्या हुआ? हैं? ऐसा तो कभी होता नहीं है। हाँ चलो खाना। लेट क्यों गए यहाँ पे? कुछ नहीं पता नहीं क्यों लेटा। देखिए उसको बेटा क्या हुआ रहते कोशिश खड़ा होकर बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। नींद कैसे ऐसे तो कभी नहीं होता। तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। या कुछ किसी से लड़ाई हुई या मैम ने पिटाई की? फिर क्या बात है? या मैम ने पिटाई की? ऐसे लग रहा है कि मैडम ने पिटाई करी। काम नहीं कर रहा था क्या आज? कैसा टेस्ट के नंबर देखे होंगे मैम। अच्छा चलो खड़े होकर खाना लगाओ। कोई बात नहीं, बाद में पूछेंगे यहां से बात क्या बात है। चलो खाना खाओ। मम्मा लगा दी खाना। हैंड वॉश करो अच्छे से जल्दी जल्दी। अब ये खाना खा रहे हैं आके स्कूल से। आप भी स्कूल से आए हो? आप भी? अच्छा कभी पढ़ते हो स्कूल में? पढ़ते तो नहीं? मैं स्कूल में पढ़ गया। अच्छा उधर मम्मी बैठी। मम्मी आप नहीं खा रहे खाना? मम्मी को तो ऊपर ही दे। आज मौसम बहुत ज्यादा हो रहा, बारिश का सुबह हुई थी और बारिश बता भी रखी है ना। और टाइम हुआ है 2:45। आज तो टाइम बच गया बेटा आपका। टाइम कौन से वाला बच गया? ये ड्रेस चेंज करने का, यूनिफॉर्म चेंज करने का टाइम बच गया आपका। अब आप खेल सकते हो। पापा जी आवाज पहनना। हाँ अभी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है ना आपकी, इसलिए बोलो पापा जी आवाज लगा रहे हैं आपको। क्यों लेट हो गए थे आज आप? वो हाँ तो होना नहीं था ना, क्योंकि पापा जी आगे भी खाना खा रहे भी आ रहे हो खाना खा के। मैं जैसे स्कूल में आया ना, मैं अपने क्लास में नहीं गया, सीधा एकदम थर्ड एफ में चला गया अपने एक्स्ट्रा क्लास में। अच्छा अरे वाह वेरी गुड। वो जो थर्ड बी था ना, अब अगर पोस्टर डाल गया उधर थर्ड एफ का लगा दिया। अच्छा अच्छा तो वो अब हमारे एक्स्ट्रा क्लास में। अच्छा और मम्मी दर्द तो नहीं अब आपके? ऊपर मैं रोटी दे दूँ। ये टिफिन देखो कैसे खोल खोल के डाल दिए। आज अलग टिफिन लेके गए थे। अभी हैंड वॉश कर लेती हूँ। टंकी नहीं आ रही। पानी देखो बहुत कम आ रहा है टंकी मोटर चला के। दे रही हूँ मिट्टा पानी। थैंक यू बेबी, थैंक यू बेटा। लो बाबू पानी। किसको चाहिए? अभी ला दी। आपको भी चाहिए बेटा रोटी? किसकी साइकिल की हवा निकल गई? कौन? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? मंदिर सोच के। तो बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। अब ये सब्जी लेके आए थे तो मैं देख रही थी आज क्या बनाऊंगी। आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी और बस दूध लेके। दूध मम्मी लेके आती है, वैसे तो मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम हो रही है तो भैया लेके आ जाते हैं। उस दिन से दूध वो ही लेके आ रहे हैं हमारा। और इधर मैं सब्जी वगैरह रख के दूंगी निकाल के। इतना बच्चे चले ट्यूशन जाते हैं तो इतना मेरा ये काम मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ। दूध वगैरह गर्म करना, बच्चों का दूध करना, तो ये हो जाता है। अब 3:30 बजे के आसपास गए ट्यूशन और आएंगे
5:30 तक ही आते हैं, तो इतना मैं उनका दूध वगैरह सब करके ये दूध में उबाल देने के बाद फिर मैं उनका दूध कर दूँगी। टाइम क्या हुआ था? टाइम 11:30 के आसपास था। तो अब आपकी वीडियो इसलिए नहीं आ रही? हमारे लोग इसलिए नहीं आ पा रहे अम्मा जी। तो अक्षु आपको दुख है आपकी अम्मा जी जल गई? वरना आप मस्ती करते थे अम्मा जी के साथ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हम टीवी देखते हैं, रिमोट भी छीनते थे। कोई नहीं, सही हो जाएगी अम्मा जी जल्दी। आप अम्मा की सेवा करते हो ना अपनी? Yes. तो जल्दी सही हो जाएगी आपकी अम्मा जी। Okay. कितना प्यार करते हो आप अपनी अम्मा जी से? बहुत ज़्यादा। और आप विदांश? बहुत ज़्यादा। बहुत सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो आप? अम्मा जी से। आप? मैं भी अम्मा जी से और बाबा जी से। अच्छा, और आप सबसे ज्यादा प्यार किस से करते हो? अम्मा जी, मुझे परिवार से इक्वल करता हूँ।